हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4 विजन। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज Divide the following and find the remainder if any. It means कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन है इस नंबर को आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर आपको एक रिमाइंडर भी आपको फाइंड आउट करना है। अगर आता है तो रिमाइंडर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी फॉर डू, ये करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इसको डिवीजन सम्स में लिखेंगे। कैसे डिवीजन सम्स में लिखेंगे आप इसको? आप इसको इसको बोलते हैं डिविडेंड। बीच में नंबर होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो इसको डिवाइड करता है इसको बोलते हैं डिवीजर। और डिवाइड करने पर जो आपका आता है इसको बोलते हैं कोशेंट। और सबसे लास्ट में जो बचता है, डिवाइड करने पर कोशेंट आने पर जो बचता है, जहाँ पे आपका टेबल नहीं चल पाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर, जो आपको फाइंड आउट भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए आपका पहला नंबर, अगर 2 की मैं बात करूँ और 9 की बात करूँ, तो 2 बहुत छोटा है कंपेयर टू 9। तब क्या करेंगे, 27 में, इस 27 में आप क्या करोगे, टेबल इसका चलाएंगे। तो चलिए 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 2 18 और 9 3 27, 9 3 27। तो सेकंड इसका जो पार्ट होता है डिवीजन का, डिवाइड करने का, वो होता है माइनस करना। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 27 से 27 जब माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो आप फिर उतारेंगे ऊपर से कितना, 8 कैरी कर लेंगे। अब देखिए नंबर आपका क्या है, नंबर आपका ये 8 है और ये 9 है, और 8 कम है और 9 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 10 यहाँ पे लगाएंगे और इसके साथ में क्या उतार देंगे, 1 को कैरी कर देंगे। क्या कर लेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। अब आपके पास नंबर हो गया है 81। अब आपको पता है कि 81 में 9 का टेबल आराम से चल जाएगा। 99 81 99 81। अब आपके पास जो आया है, आप रिमाइंडर देख लीजिए क्या आया है, आपके पास आया है रिमाइंडर 0। तो आपका ये हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, आपको सबसे पहले फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, ठीक है ना, डिवीजन मेथड के फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे। इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये होता है डिवीजर। और ये क्या है आपका, क्वेश्चन आया, क्या आया, क्वेश्चन आया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं आपका, क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन ये रिमाइंडर और ये डिवीजर, रिमाइंडर और ये क्वेश्चन। तो चलिए इस डिविडेंड को, इस डिविडेंड को डिवीजन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं आपका रिमाइंडर कितना आता है। चलिए अब नंबर 8 है या फिर नंबर 7 है, तो आराम से टेबल चल जाएगा। इसमें 7 बन जा 7। सेकंड मेथड क्या होता है इसका, सेकंड जो रूल होता है सब्ट्रैक्ट करना। मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 कम है, 7 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से 3 को कैरी कर देंगे। अब 7 का टेबल 13 में कितने टाइम चल जाएगा, 7 में से 7, 7 टू जा 14, तो 14 ज़्यादा हो जाएगा। और आपको करना क्या है, या तो इतना ही नंबर आना चाहिए जितना आपके पास ये नंबर है, या तो इतना ही डिजिट आए, या फिर इससे कम आए, कुछ कम आए, तो 7 बन जा
सेवन चल जाएगा, सेवन वन जा सेवन, आप जब चलाओगे तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा नाइन, क्या आएगा आपके पास नाइन आएगा, थर्टी एट में से सेवन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा नाइन, नाइन आएगा। सिक्स सॉरी सॉरी सिक्स आएगा, कितना आएगा सिक्स आएगा, ये नंबर आपके पास आया सिक्स। देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर कम है और सेवन नंबर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे एट को कैरी कर लेंगे इसके साथ में, एट को आपने कैरी कर लिया, अब आपके पास नंबर हो गया 68। अब सेवन से 68 को क्या करेंगे आप टेबल चलाएंगे, कितने टाइम इसमें या तो पूरा कर सकता है या फिर इसमें से कुछ रिमाइंडर बचता है, देखने वाली बात ये है। चलिए सेवन सेवन जा 49, सेवन एट जा 56, ओके, और सेवन नाइन जा 63। तो 79 जे कितना हो जाएगा 63। अगर आप कहते चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 70 हो जाएगा, वो 68 से ज्यादा होता है, आप क्या करेंगे आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर आपका नंबर आएगा कितना 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा है 5 रिमाइंडर होगा, 5 होगा इसका रिमाइंडर। ये क्या आया इसका क्वेश्चन का आया, क्या आया ये क्वेश्चन आया, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 1 के आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है डिवाइड द फॉलोइंग आल्सो चेक योर आंसर, चलिए भी बताते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए टेबल्स, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए, जब तक आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। जो हमारे पास अपने आंसर्स को हमें चेक भी करना है, सेकंड क्वेश्चन में आंसर भी चेक करना है, तो इसका ए पार्ट देखिए आप, ए पार्ट है इसका 805 डिवाइड बाय 2, एक पार्ट और ले लेते हैं इसका कोई सा भी, ये ले लेते हैं इसका भी जी जी ले लेते हैं, चलो ई ले लेते हैं इसका भी ई पार्ट, ये टू पार्ट्स में आपको बताऊंगा इसमें, फिर आपको करके देखने हैं। 4483 डिवाइड बाय 6, सबसे पहले आपको उसी फॉर्म में जो आपकी डिवीजन मेथड की जो फॉर्म है उसमें ही आप इसको लिख लेंगे, इस फॉर्म में आप लिख लेंगे इसको 7। अब देखिए इसको डिविडेंड बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिविजर होता है, यहाँ पे आएगा आपका क्वोशेंट और जो अगर बचता है आपके पास उसको बोलते हैं आप रिमाइंडर। तो आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो डिविजर होता है वो डिविडेंड के मल्टीप्लाई में होता है और प्लस रिमाइंडर होता है, तब आपका क्या आता है पूरा पूरा ये नंबर वापस आपका क्या मिलता है आपको डिविडेंड मिलता है आपको, यानी क्वेश्चन 7 और जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ये प्लस होंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास प्लस होकर के ये मल्टीप्लाई होकर के जो प्लस आएगा आपका रिमाइंडर वो डिविडेंड के बराबर होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन को चेक करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए 7 का टेबल आप एटीन में जब चलाएंगे तो कितने टाइम चल सकता है 7 का, अगर 7 थ्री जब की बात करें तो 7 थ्री जब 21 होते हैं, 21 इससे ज्यादा हो जाएगा तो टू चलेंगे, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे ऊपर से 0 को कैरी कर लेंगे, अभी नंबर हो गया है 40, 77 जा 49, 77 जा 49 होता है तो 49 से ज्यादा हो जाएगा तो 76 जा 76 जा 42 होता है, ये भी से ज्यादा होता है तो 75 जा 75 जा 35।
7 × 35। अब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 अगेन। इसके बाद आप बता देंगे 5। अब आपके पास नंबर हो गया 55। 7 × 49, 7 × 56, 7 × 56, तो 7 × 7 चलाएंगे आप इसमें 49। अब आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये नंबर आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि डिविडेंड में आगे का कोई नंबर आपके पास अब नहीं बचा है। कितना बच जाएगा ये नंबर बच जाएगा आपके पास 6, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर जो बचता है, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। ये होता है डिविजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब देखिए अब आंसर को चेक करते हैं, एक आंसर आंसर को चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। डिवीजर और क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजर डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू होता है डिविडेंड के, इक्वल टू होता है डिविडेंड के, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें पुट कर देंगे, डिविजर कितना आपके पास, डिविजर आपका 7, 7 आपका डिविजर है, मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वोशेंट से, क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, 257 प्लस रिमाइंडर कितना आपके पास 6, रिमाइंडर आया 6। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स को आप जब भी इनको मल्टीप्लाई और उसको प्लस करके जो इनका टोटल से सम आएगा वो सम इसके बराबर होना चाहिए, 1805 होना चाहिए, वो यानी डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, इस नंबर के बराबर होना चाहिए इनका सम। ओके तो करके देख लीजिए, कर लेते हैं 257 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 × 49 कैरी 5, 7 × 35 और 39 का भी 9 कैरी 3। अब 7 को जा 14 और 3 14 15 16 और 17 तो कितना है आपके पास, ये आया है मल्टीप्लाई करके आया है कितना 1799 और प्लस कितना करना है इसमें भी 6 प्लस कर देते हैं, तो चलिए 6 प्लस करके देखिए कितना नंबर आता है आपके पास 1799। इस 1799 में 1799 में 6 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो 9 6 15 होता है कैरी 1, कैरी 1 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी अगेन 1, 7 और 1 8 और 1 का 1। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया है, आंसर आपके पास हो गया है 1805 आपका ये आंसर आ गया है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत इसको डीपली बताया है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसको आप पूछ लेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर, आंसर चेक करना था, सबसे पहले इसको डिवाइड करना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने किया इसको डिवीजन मेथड के फॉर्म में लिखा, डिवीजन मेथड के फॉर्म में इसको लिखा हमने, बीच में क्या लिखा हमने डिविडेंड लिखा, और 7 से इसको क्या करना था, चलो यहाँ पे बाई मिस्टेक 7 से हो गया है, तो आप इसको 7 से ही करेंगे, 7 से ही आप इसको करेंगे, इसमें 2 से है
एक्सरसाइज नंबर यस ये सेकंड क्वेश्चन टू से है, टू से है, हमने सेवन से कर दिया है, इसको आप सेवन ही लेंगे, आप इसमें सही कर लेना, ए ए पार्ट को सेवन से ही आप इसको डिवाइड करेंगे, ओके, सेवन से डिवाइड करेंगे, बाकी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, डोंट वरी फॉर यू, ओके, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सेवन से इसको डिवाइड किया, सेवन से डिवाइड किया, सेवन से डिवाइड करने पर आपको क्वेश्चन आया आपके पास 257 क्वेश्चन आपके पास आया, फिर हमने क्या किया डिवीजर और रिमाइंडर बचा इसमें 6, रिमाइंडर 6 और आंसर चेक करने के लिए हमने क्या किया डिवीजर को मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन से, डिवीजर है मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन से और प्लस इसमें रिमाइंडर जो आपके पास बचा है वो रिमाइंडर इसमें हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवीजर कितना था आपके पास 7 नंबर आपके पास डिवीजर था, क्वेश्चन आपके पास क्या था मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन से 257 से इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर 6 था 6 इसमें हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो टोटली ऐड करने पर यहां पर मल्टीप्लाई करने पर 1799 आया और 6 प्लस करने पर 1805 आया, तो ऐसे ये आंसर बिल्कुल ये डिविडेंड ये नंबर और ये डिविडेंड इसका बिल्कुल सेम आया है तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा आप ए पार्ट में यहाँ पे 2 से डिवाइड है आप इसको 7 से डिवाइड ही रखेंगे, 7 से डिवाइड रखेंगे ये वाला, ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।